A very warm welcome, guys, and welcome back to my video. 3, 2, 1, go! ये जो वीडियो होने वाला है ये बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है। 16th मई को मेरा बर्थडे था। रितिका वांटेड टू गिव मी अ सरप्राइज, लाइक शी ऑलरेडी गेव मी अ सरप्राइज, बट कुकिंग के मामले में जैसे कि आपने हमारे 2-3 चैनल में देखा है, हम आजकल चीजें बहुत बना रहे हैं क्योंकि हम हर चीज पहली बार बना रहे हैं। वांटेड टू गिव मी अ सरप्राइज बाय बेकिंग अप अ केक। तो आज यानी कि 18 मई को उसने डेफिनेटली एक केक बनाया घर पे, एंड उसने मैंने उसको मतलब बोला था कि वीडियो लेना अच्छी तरह से लेना, बट उसने वीडियो ली अपने हिसाब से ली, बहुत अच्छी ली, जैसे भी ली, नॉट अ प्रॉब्लम। मैं आपको दिखाऊंगा, छोटी वीडियो है बट देखना। ये क्यों देखना? क्योंकि इसके अंदर आप जो रितिका की भाषा सुनोगे मजा आ जाएगा, आप जो उसके कमेंट सुनोगे मजा आ जाएगा। पंजाबी हिंदी मिक्स है, तो शी द रियल पंजाब इज विल बी कमिंग आउट। सो लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट। ये है हमारा बैटर तैयार, अब इसका बनाएंगे हम केक। इसमें हमने डाला है मैदा, सूजी और पाउडर्ड शुगर जो कि ये है। इसको अच्छे से ऐसे ऐसे करके मिक्स कर लेंगे और अब इसका बैटर बनाएंगे। इसमें दूध डाल के इसमें हमने बेकिंग पाउडर डाला है, बेकिंग सोडा डाला है, थोड़ा सा बिल्कुल ना के बराबर हल्का सा नमक, और इसमें हमने ऐड किया है थोड़ी सी कॉफ़ी, कोको पाउडर। दैट्स इट। जैसे कि आपने अभी देखा जो पहला वीडियो उसने बनाया है, शी इज एक्सप्लेनिंग कि क्या मटेरियल चूज करना है, बहुत ही रॉ था। ठीक है, तो लेट अस कंटिन्यू, देखते हैं व्हाट इज इन स्टोर फॉर। इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। मेरा एक स्पून था मिक्स वाला, वो बेचारा थोड़ा सा शहीद हो गया। इसको मैं रखूंगी बाहर, थोड़ा कम ज्यादा मचा देती हूँ मैं, पर कोई बात नहीं, चीज बढ़िया बनती है ये सब, तो वैसे भी कर सकते हैं। अभी मैंने इसमें दूध डाला है, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी है बस। अब इसको हम डिश में करके, और ये हम गैस पे बना रहे हैं, ओवन पे नहीं बना रहे। जिस जिन लोगों के पास ओवन नहीं है वो देख सकते हैं कि ओवन के बिना भी बहुत बढ़िया शानदार आपका केक बन सकता है। ठीक है, इसको मैं मिक्स करूँगी ताकि जो थोड़े बहुत ही लम्स हैं ये हट जाए, और उसके बाद उसको मैं बेकिंग ट्रे में डालूँगी, केक के ट्रे में डालूँगी और कढ़ाई में इसको बनाऊँगी। वो प्रोसीजर जो है थोड़ी देर में देखेंगे, तब तक ये देखिए कोको पाउडर की क्या स्मेल आ रही है यार, बढ़िया एकदम मज़ेदार। तो गाइस इन दिस सेकंड पार्ट शी हैज एक्सप्लेन कि वो बैटर को क्या करना है, कैसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, एंड प्रोसेस जो था उसने उसमें एक्सप्लेन कर दिया। बिकॉज इन द केक व्हेन यू आर मेकिंग वी कैन नॉट शो कि वो कैसा मेक कर रहा है अनलेस एंड अंटिल यू हैव एन ओवन। जस्ट जो वो बोल रही है वो सुन लो, जीवन में सुख मजा चैन सब आ जाएगा। ये इसमें ट्रे में डाल दिया मैंने, इधर पानी डाला है क्योंकि मेरा मन था। हम सॉल्ट भी डाल सकते हैं, तो आई यूज दिस टेक्निक। इसको इसी में रखूंगी मैं ऐसे। कटोरी नहीं है क्योंकि मेरे पास और कोई इतना बड़ा बर्तन नहीं है जिसमें ये सेटल हो जाए और ये बंद हो जाए, तो अभी इसी में ही हम इसको करेंगे। और इसी में ही इसको किया, नीचे ये लगाया और यहाँ से इसको पूरा हम क्या कर देंगे, ढक देंगे। अब ये पूरा ढकना है क्योंकि मेरे घर इसमें नहीं हारा ढंग से ढकने का, तो मेरे को इसका कोई छोटा देखना पड़ेगा क्योंकि इससे पतला और क्या हो सकता है मेरे पास। हाँ, तो नीचे पानी होता है उसके अंदर क्या रखना है, उसके ऊपर वो कैसे रखना है, वो स्टीम से बेक होगा तो उसको पूरा कवर करना है, तो आई गेस यू लव इट। आइडिया लगाया है भाई, इसको बीच में रख दूंगी, थोड़ा फ्लोट कर रहा है, करता रहे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ये इसको थोड़ा सा मिक्स कर दिया है, इसे थोड़ा सा सेट भी कर देंगे ऐसे। हाँ, ये थोड़ा मेरा पतला बना है बैटर, बट नेवर द माइंड, पतले बनने में क्या होता है, जब फर्स्ट टाइम ट्राई करते ना चीज़ तो होता तो ऐसा ही है कि कुछ ऊपर नीचे होता है, तो कोई बात नहीं, सानू कोई फर्क नहीं पैंदा। तो यह मैं जलाइए गैस, इन कर देता है मीडियम तक, मीडियम तो कर देता है। हम साडा जो है लिड हो गया बंद, पूरा प्रॉपर आप देखो बंद है। अब जो भी स्टीम आएगी उस स्टीम से बनेगा हमारा देखेंगे। दिस इज द टाइम एंड केक विल बी रेडी, सो यू विल टेस्ट कि कैसे केक रेडी हुआ है कि नहीं हुआ है, वो आप देखिए वीडियो में। तो गाइस दिस रिमाइंड्स मी ऑफ माय लास्ट वीडियो बर्थडे जिसमें मैंने खुद अपने लगे बनाया था, इस बार रितिका ने मेरे लगे पर बनाया। केक इज रेडी, हम चेक कर लेंगे कि क्या गुंजाइश रह गई है इसमें, थोड़ा सा है
रह गया क्योंकि इतना हल्का सा इस पर लग रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स बेस बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जैसे स्वाई स्वरूप खरट बोलते हैं, हो गया है। और आप देख रहे हो कितना सॉफ्ट है, इट्स वेरी सॉफ्ट। ठीक है, तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इसको अब वापस ढक देती हूँ ताकि ये थोड़ी और स्टीम में थोड़ा और बेक हो जाए अंदर से, और फिर हम इसे खा सकते हैं। ये